मौलाना ने तहरीके इंसाफ से हाथ मिला लिए। हकूमत मुखालिफ मुहिम का आगाज। बड़ी खबर आ गई। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी क्यादत ने मौलाना फजल रहमान को तहरीके इंसाफ से हाथ मिलाने की मुखालफत कर दी, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के वफ्द को अपने तहफुजात से आगाह करते हुए तहरीरी यकीन दहानियां मांग ली हैं। मुस्तकबिल में जेयूआई तहरीके इंसाफ से हाथ मिलाएगी या नहीं, इस बात का फैसला कल इस्लामाबाद में होने वाले दो रोजा मरकजी शूरा के इजलास में किया जाएगा। पीटीआई के साथ रवाबित पर मौलाना फजल रहमान का कहना है कि बात उनसे होती है जिनके पास इख्तियार हो। हमारी इस्लाम दुआ चल रही है। दूसरी जानिब हुकूमत के खिलाफ तहरीक में जेयूआई को शामिल करने के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिशों का सिलसिला जारी है। साबिक स्पीकर असद कैसर मौलाना फजल रहमान को राजी करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। जबकि तहरीक तहफ़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों में मसरूफ हैं। ज़राए से मालूम हुआ है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक में मौलाना फजल रहमान को शामिल करने के लिए राजी नहीं कर सकी है। मौलाना फजल रहमान को कायल करने के लिए मजीद राबतों का फैसला किया गया है। जे यू आई के जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि जे यू आई के मरकजी कायदीन ने मौलाना फजल रहमान को पी टी आई से हाथ न मिलाने का मशवरा दिया है, जबकि मौलाना फजल रहमान खुद भी पीटीआई के साथ चलने के लिए राजी नहीं।